Come stai la cosa più si già. Ah, Vado. उल्टा पलटा नहीं एकदम सही बनाया है। मतलब मम्मी का कहने का मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना, है ना मम्मी? है तुम्हारे कहने का मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता है। देखो दोस्तों, मैं इतना सारा खाना बना लेती हूँ, वहाँ पे मम्मी कहती मुझे खाना बनाना नहीं आता है। माछेर झोल बन रहा है ना, माछेर झोल। मम्मी बंगाली में बोलना कैसे बोलते हैं, हमारे बंगाली दोस्तों को बोल दो। माछेर झोल हाँ, नहीं पूरा होते हैं राना होते, राना होते खाओ। हाँ क्या खाओ? माछेर झोल खाओ। माछेर झोल खाओ रो माछा से। हाँ राना करेगी। हाँ अच्छा मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक जल्दी जल्दी तुम बोलना सीख लो। इतनी जोर में तो मेरे को प्रेशर आ गया बाथरूम का। डराना भी नहीं आता। डरा दिया मैंने। सुबह सुबह कार्तिक आ गया, ये इसको पकड़ ले खा ले। बाय बाय। क्यों जाएगा शाम को? दोपहर को नहीं आएगा? लंच खाने नहीं आएगा? ओके हेलो दोस्तों, मेरा फोन मेरा वीडियो साफ नहीं आ रहा, नहीं आ रही लाइट। कौन जा मम्मी? मम्मी मेरे को जा बोल रही है दोस्तों। देखो कौन आ गया, चलो नहीं है ना बंद है। कैसे बोलती है ना, जाओ। मेरी मम्मी का पैदाइश बंगाल का है दोस्तों। ऐ छलेटी मेल मलेटी 1000 टका दाम। और बोलू आगे थोड़ा पचा माछ खाए बड़े बड़े काम। ये लड़ाई होती थी ना बंगाली और बिहारियों की, है ना मम्मी? तो वो लोग बोलते, बिहारी लोग बोलते थे बंगाली को। भागो भागो फंस गई। और गुड़ डालना और ना ना। अच्छा मीठा ज्यादा हो जाएगा, ढीला है ना। दोस्तों गुड़ वाली चाय बनके तैयार है, तो बस चाय पी लो। चाय पी लीजिए, मेरी चाय है कुल्हड़ वाली और मैं थोड़ी सी लूंगी क्योंकि मुझे दूध भी पीना है। तो ये वाओ, चाय ले लो चाय मम्मी। तो मेरा भी है। चलो यहाँ पे मम्मी मसाला बना रहे हैं, आज हम फिश बना रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए पापा चाय। हाँ अब तो मैं आ गई हूँ। मम्मी बोला कि मैं आ गई हूँ तो मेरे पापा की आश होगी है चाय के मामले में। जब भी पापा चाय मांगते मैं बना के देती हूँ, साथ साथ पापा के साथ चाय भी पीती हूँ। पर मैं ज्यादा नहीं पीती, थोड़ी सी पी रही मैं।
ऐसी होती है बेटियां, है ना पापा? ऐसी होती है बिगड़ल बेटी बोल रही हमको, बिगड़ल बेटी, हम बिगड़ल बेटी हूँ, हम तुम्हारा बिगड़ी बेटी हूँ। यूपी वाला भाषा बोल रही है मम्मी आज तो। मम्मी यूपी वाला ठुमका लगा दो। चाय बहुत अच्छी बनी है, सुबह सुबह चाय नाश्ता। तो कपड़े धो रहे हैं ना पापा, तो ठंड लगती है। चलो उस रूम में चलते हैं, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पापा उधर कपड़े धो रहे हैं ना, तो कपड़े धोते वक्त तो ठंड तो लगती है, तो चाय तो बनती है ना। मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, मुझे लगता ही नहीं मम्मी पापा के पास रहने में लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। बिल्कुल ही नहीं पता लगता मुझे। तो पेट में दो चार लात पड़ते हैं ना, सब पता चल जाता है। अरे अरे ये कौन है, ये कौन है? क्या है, मस्त मस्त ऐसे यूपी में मिलता है ना, कुल्लड़ बोलते हैं, किधर का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यूपी में तो मिलता है ऐसा, है ना? कोई यूपी से देख रहा है तो भाई बताना, है ना? ऐसी वाली कुल्लड़, और क्या टेस्टी चाय होती है भाई। तो चलो चाय पीने के बाद अब काम वाम पे ध्यान देते हैं। तो गाइज लेट्स गो, आज फिश बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह कर लिया था, वो मैंने टेक नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सुबह ही मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया था। तो अभी फिश बना रहे हैं, तो फिश करी मम्मी बना रहे हैं। तो मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ मम्मी का। तो चलो, कभी यहाँ की रेसिपी होती है, कभी वहाँ की रेसिपी होती है। अभी फिश की तैयारी चली रही है सुबह से। आज मम्मी सुबह के लगे हुए हैं, 2 घंटे हो गए हैं ना मम्मी, सुबह के 9 बजे से लगे हुए हैं, अभी 11 बज चुके हैं। तो देखते हैं कब तक मम्मी बनाने वाली है। हम तब तक पी लेते पहले दूध। मम्मी पहले कमरे में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे धूप आती है, तो यहाँ पे धूप में बैठ के और फिर पियेंगे चाय। चाय दूध, चाय तो हम पी चुके हैं। देखना कैसे इसने अपना लैपटॉप सजा के रखा है, ये देखो इसका कंप्यूटर टेबल है भाई का, ये देखो ये गेम गुम सब खेलता है, सारा जुगाड़ रखा हुआ है इसने। ये देखो लैपटॉप है इसका। चलो अभी ढक देते हैं भाई। कपड़े तो मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ क्योंकि पापा कपड़े धो रहे थे, तो पापा ने बोला कपड़े धोने के लिए है, तो मैंने वो सुबह वाले कपड़े उतार के दे दिए पापा को, तो पापा तो धो रहे हैं। हमारे घर में ज़्यादातर पापा ही मशीन में कपड़े धोते हैं, मम्मी खाना बनाते हैं। अब पहले सिस्टर थी तो सारा सिस्टर करती थी। ऑरेंज खा रही हूँ, मम्मी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जो 4 बार ब्लड टेस्ट लिया था ना, वो वाला व्लॉग देख रहे हैं मम्मी मेरा। करे ये तो गलत है, ऐसे हमारे टाइम में नहीं होता था, है ना मम्मी? करे अभी पता नहीं कितनी बार कराना है। ला 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 ला। शीशा गंदा हो गया, ये बेचारे मम्मी कहाँ कहाँ करेंगे। यहाँ पे चावल भी उबल चुके हैं, यहाँ पे मम्मी रोटी बना रहे हैं। चलो गाइस इसको बंद कर देते हैं, काटेंगे अब सैलेड, एक गाजर काट लेते हैं, मूली। चलो गाइस भूख लगी, भूख फटाफट फटाफट। चलो चलो गाइस, यहाँ पे हमारा लंच, लंच में है सैलेड,
रही है फिश करी चपाती। बहुत बढ़िया फिश करी बनाया मम्मी ने, और मम्मी नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं, वैसे सारे खाने मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं, पकौड़े भी और दाल भी। खा लेते हैं गाइस, आप भी खा लो। कले वाली लाइट नहीं जल रही थी ना, तो अंधेरा रहा था वीडियो। अभी देख कौन सा ये वाला जलती का है। कल हम ब्लॉग बना रहे थे, मैं मम्मी मनु, नहीं जल रही थी, लाइट नहीं थी शायद, है ना मम्मी? जलेगा कल शाम को जब हम ब्लॉग बना रहे थे यहाँ पे, आप ही तो जला रहे ब्लॉग में, लाइट नहीं थी शायद। अभी देख कितना साफ आ रहा है, ये तो मैंने लाइट की जलेगा। तो गाइस फिलहाल तो मैंने खाना खा लिया है, बहुत हैवी हो गया है, तो मैं थोड़ा सा सोऊंगी और फिर हम शाम को मिलते हैं 5 बजे के करीब। और शायद आज अभी कार्तिक भी आएगा ऑफिस आने के बाद, मम्मी को भी लेकर आएगा, क्योंकि मैंने कल बोल दिया था कार्तिक को कि मम्मी को भी लेकर आना। तो देखते हैं कब तक कार्तिक आता है, तो इतने में मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे काफ़ी नींद भी आ रही है, थक गई हूँ मैं। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं, थोड़ी देर वेट करना। ठीक है, समोसे निकालो। अरे ट्रे साफ किया था ना, चाय छानो, चाय छानो मम्मी का। हाँ मम्मी तुम्हारा ये वाला है, उसमें दो ना, ये वो जग में मम्मी नहीं पियेंगे ना, वो ठंडा हो जाता है मनु के लिए है। अरे मनु थोड़ा सा ही खाना है मेरे को, ज्यादा नहीं खाना। हाँ जाओ मम्मी के पास जाओ, हम तो पूरी सब्जी के चक्कर में थे, मम्मी पापा यही प्लानिंग कर रहे थे। अरे अच्छा हुआ बना के नहीं रखा, नहीं तो फिर लेने देने पड़ जाते। वहाँ चिमनी था ना, कागज चिपकाया हुआ था गैस का। समोसा तो अच्छा लग रहा है, समोसा ठीक लग रहा है। और ले लो समोसा, पानी मिल जाता है वो पानी के लिए। मनु को दे दो मम्मी, मनु हाँ ये मस्त ले लो। अरे खा के तो देख, तू दोबारा ले लेगा। अच्छा ले मिंटू, सब लोग एक एक जन ले लो। मम्मी वाला भी डाल, मनु वाला भी डाल। खोल ना मम्मी इसको, पीछे तक, पीछे तक खोल। थोड़े से एक लेंगी, ले लिया ना, था निकालो दूध वाला आ गया। एक ही खोल दो, दो ले तो अभी आ ही नहीं सकता। और बस दूध थोड़ा ठंडा नहीं, भी कम दूध
दूध वाला नहीं आता, कभी नहीं आता। कल तो आया था परसों। लड्डू मस्त है ना, प्योर प्योर है लड्डू। बेसन का पापा भी ले आते हैं, वैसा ही है ना, वैसा ही टेस्ट आ रहा है ना। पापा ले आते हैं जो, ऐसा ही ले आते हैं। वो भी कोई मनी मजरा में नया दुकान खुला है, घी और लड्डू बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट है। सो गाइस, शाम को सब लोग इकट्ठे थे कार्तिक मम्मी को छोड़ के आके घर, और अभी थोड़ी देर में जाने वाला है बाय। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।